अस्सलाम वालेकुम, कैसी है यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल और करम से बिल्कुल ठीक हूँ। और व्यूर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कुछ क्रोशिया से बनाए हुए जो है वो ड्रेस थे, और कुछ जो है ना वो सिलाइयों से, ये हैंडमेड है, घर में बनाए हुए हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और बच्चों को पहने हुए भी बहुत प्यारे लगते हैं इस तरह की चीज़ें, तो इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। और इसमें दो तीन जो है वो मैंने खुद बनाए हैं और बाकी जो है ना वो मेरी अम्मी ने तैयार की हैं। ठीक है, और दिखाती हूँ मैं आपको एक एक करके। ये जो सबसे पहला है ना, ये मेरी अम्मी ने बनाया था सिलाइयों से, और ये दो तीन कलर लगा के ना उन्होंने बनाया था, और बड़ा खूबसूरत लग रहा था, पहना हुए बहुत प्यारा लगता है। और नेक भी इसकी वैसे देखने में ऐसे लगती है कि जैसे बहुत तंग होगी, लेकिन बहुत ही इजीली उसे अब्दुल मनान को नेक जो है ना वो आ जाती है। और इसकी बैक भी सेम है और फ्रंट भी सेम है। मेरा ये था इरादा कि इसके ऊपर ना कोई मोटिव जो छोटे बच्चों के कार्टून वगैरह कोई इधर ला के लगा दूँ, लेकिन फिर बस ऐसे पहना दिया। ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो अगला जो है ना वो भी अब्दुल मनान का है। ये देखें, ये भी वैसा ही है, इसकी शर्ट ही है, और ये भी अम्मी ने सिलाइयों से बनाया था। मुझे सिलाइयों का नहीं आता, मुझे सिर्फ क्रोशिया आता है, तो ये अम्मी ने बनाया था। अब हुरैन फातिमा की एक अम्मी ने जर्सी शुरू की है, वो इंशाल्लाह जब अम्मी बनाएंगी फिर मैं आपके साथ उसकी वीडियो भी शेयर करूंगी। तो ये जिगजैग में इन्होंने ये बनाए हैं लाइनें, और यहाँ पे इन्होंने ये डिज़ाइन बना दिया है। ठीक है, ये देखिए, और बड़ा प्यारा लग रहा था, पहना हुआ भी अच्छा लगता है। आपने शायद एक वीडियो में इसको पहना हुआ भी देखा होगा। तो और उसके बाद, और ये हुरैन फातिमा का अम्मी ने क्रोशिए से बनाया था, और ये बाजू के बगैर है फ्रॉक, और ये भी बड़ी प्यारी लगती है जब पहनी होती है। अब उसको पिछले साल ये बनाया था, और पिछले साल भी उसने पहना और इस साल भी पहना इसने। ठीक है, और बड़ी खूबसूरत लगती है जब ये पहनी होती है। तो यहाँ पे उन्होंने अलहदा से तीन फ्लावर बना के लगा दिए थे, और ये जो है ना ये बाकी दो कलरों में, पिंक और ब्लू के में ये बनाई है फ्रॉक। और ये इसकी बैक साइड है, बैक भी सिंपल है, वैसे सेम है। फ्रंट जो है ना वो उन्होंने ओपन रख दी है, और जो बैक है ना वो उन्होंने बंद कर दी है। ठीक है, इस तरह ये कुछ इस तरह। ठीक है, और अगला जो है ना, अगला ये वाला जो है ना, ये मेरी एक दोस्त ने बना के भेजा था तकरीबन 2 साल पहले हुरैन फातिमा के लिए। लेकिन हुरैन फातिमा को ना पिछले जब उसने बनाया था तब भी, और पिछले साल भी खैर खुला था, इस साल भी अभी भी उसको खुला है, लेकिन पहना हुआ बड़ा बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ से उसको इन चीज़ों से ना खुला है तो वो लटक जाती है साइडों से ना। ये देखे, यहाँ पे ये कंधे बने हुए हैं ये इस जगह पे, और ये जो है ना पीछे इसी तरह सीधा है जैकेट की तरह, और आगे जो है ना वो इस तरह दुपट्टे की तरह, मफरल की तरह आ जाता है। जब पहनती है ना तब अच्छा लगता है, लेकिन ये है कि अभी इसको बढ़ाए है तो, लेकिन अगर आपको पता है उन्होंने, उसने बहुत चाहत से बना के भेजा, कोई चीज़ भेजता तो बहुत ही चाहत से बनाई होती है। तो ये जो है ना ये फ्रंट है, और ये इस तरह करके इसकी बैक है ये वाली। ठीक है, ये इसकी बैक है, और जब ये खोलते हैं ना तो ये एक दुपट्टे की तरह बन जाता है। ये देखें, ये यहाँ पे इसके बाजुओं का उन्होंने दे दिया हुआ है, और ये जो है ना इस तरह है। ठीक है, अगला ये जो है ना, ये मैंने खुद बनाया था हुरैन फातिमा का। तो ये जो है ना, इसके बाजू जो है ना वो लैदा से बनाए थे, और ये बाकी जो है ना वो लैदा से बनाया था। ठीक है, और ये पहना हुआ इसकी कुछ इस तरह शेप आती है, ओपन गोन की तरह बन जाती है, नीचे से कोई भी पैंट शर्ट डाल के तो ऊपर से ये डाल लेती है। ठीक है, और वैसे इसे अगर खोले ना हम तो ये बिल्कुल गोल सा बन जाता है इस तरह करके, एक गुलाई में ना इस तरह बन जाता है। ठीक है, इस तरह करके ये बन जाता है, और जब ये पहनती है, ये इसके बाजू और ये इसकी फ्रंट साइड आ जाती है, तो ये इसकी जो है ना ये बैक साइड है।
यहाँ पे ये फ्लावर जो है ना, ये मैंने लैदा से लगाया हुआ है, ये वाला फ्लावर, ठीक है। और अच्छा, इसके बाद जो है ना, ये इसके साथ वो जो हुरैन फातिमा का बनाया ना गोन सा, उसके साथ ये मैंने बनाया था। इस तरह ये सर पे पहनती है, बड़ा प्यारा भी लगता है जब पहनती है। तो इसके साथ जो है ना, इसके साथ मैंने ये बनाया था, ये वाला इसके साथ, ठीक है। और ये लैदा से फ्लावर इसके ऊपर लगाया, ये जब पहनती है ना तो ये पोनी के ऊपर आ जाता है, बड़ा प्यारा लगता है जब ये पोनी के ऊपर आता है ना इसका फूल सा। और उसके बाद इसके ये बनाए थे, ये मैंने, ये देखिए अभी भी आपको टेढ़े मेढ़े से नज़र आ रहे होंगे, ये ना तब मैंने ना सीखना शुरू किया था तो तब बनाए थी ये वाली जो है ना, ये पहली जो क्या कहते हैं कैप उसकी, ये मैंने बनाई थी। तो ये इसमें से उसकी पोनी बाहर निकल आती है, और ये इस तरह, और एक ये वाली बनाई थी, ये भी इस तरह, ये इसकी वो बनाई हुई है, ये भी सर के ऊपर आ जाती है, बड़ी प्यारी लगती है। और इसमें से भी ना, इसके इधर से ना पोनी जो बाहर निकल आती है, ये ऐसे लगता है जैसे ऊपर ना क्लिप लगाया हुआ है। ये इसकी एक ये वाली बनाई है कैप, ठीक है। ड्रेस जो है ना वो पसंद आए होंगे, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।